हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मिता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ आलू की सब्ज़ी खाकर बोर हो चुके हैं, सो आज मैं रोज़ वाले आलू से हटकर एक नई आलू की रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम बनाएंगे इस रोज़ वाले आलू से भरवा आलू, समर स्पेशल बनारसी शाही आलू सुपर रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप इसका जो टेस्ट है ऑसम। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हमारी आज की जो रेसिपी है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रेवी। इसके लिए कुकर में डालेंगे हम टमाटर। मैंने 4 टमाटर लिया है मीडियम साइज का, इसको मैंने रफली चॉप किया है। 2 प्याज से भी रफली चॉप किया है। 3-4 लहसुन की कलियां, हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ में मैं डालूंगी इसमें तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा स्टार एनिस का, 2-3 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा, कसूरी मेथी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसे ज़रूर चेक करें। थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप के करीब पानी और 2 सीटी आने तक मैं इसे कुक करूंगी, जब तक हमारे टमाटर और प्याज जो है अच्छे से मिक्सी ना हो जाए। 2 सीटी आ चुका है, हमारा प्याज और ये जो टमाटर है वो ये काफी मिक्सी हो चुका है। इसमें मैं काजू डालना भूल गई थी फ्रेंड, तो इसलिए मैं इसमें 10-12 काजू डालूंगी और साथ में 1 सीटी मैं और दिलवा दूंगी इसको। जब तक हमारे टमाटर प्याज उबल रहे हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर ले रहे हैं। इसके लिए मैंने लिए है 4-5 आलू और इसको मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। उसके दोनों किनारों को मैं ऐसे कटिंग कर लूंगी इस प्रकार, और फिर उसके बाद में मैं पीलर की मदद से इसको मैं ऐसे होल बना लूंगी इसके अंदर इस प्रकार। बस इधर में नहीं पार होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। और आप सोच रहे होंगे कि इस तरीका से ये आलू हमारे वेस्ट हो जाएंगे, जी नहीं, ये बिल्कुल भी हमारे आलू वेस्ट नहीं होंगे, इसका हम बाद में यूज करेंगे। देखिए इस प्रकार हम होल बना लेंगे और उसके बाद में ये जैसे चारों साइड में हम इसे बराबर कर लेंगे, कहीं से मोटा है ये, कहीं से पतला है, तो इस तरीके से एक शेप में आ गया ये। मैंने बाकी आलू को भी इसी तरीके से बना लिया है और इसे मैं पानी में छोड़ दूंगी और अब बाकी तैयारी कर लेती हूँ मैं। हमारे टमाटर, प्याज और काजू जो है एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसे ठंडा करूंगी और उसके बाद इसकी प्यूरी बना लूंगी। स्टफिंग के लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप पनीर, मैंने क्रश करके ले लिया है। इसके साथ आप चाहें तो इसमें चीज भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीज नहीं लिया है। साथ में 2 चम्मच हरा शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च 2 और थोड़ा सा अनार के दाने, गरम मसाला और नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो आलू जो हमने वो साइड से जो कटिंग की है, होल बना के जो हमने निकाला है, उसको फ्राई करके बाद में उसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तीन से 4 मिनट लगे, ये सारे आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे। अब इसी में तेल के अंदर मैं बचे हुए जो आलू हैं जो हमारे कटिंग वाले, वो मैं डाल दूंगी। ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, गैस का फ्लेम मैं बंद करूंगी और इसको मैं निकाल लूंगी। Thank you.
मैंने ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाला है एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और साथ में मैं डालूंगी इसमें बटर। बटर के मेल्ट होते ही मैं इसमें डालूंगी अदरक आधा इंच का टुकड़ा फाइन चॉप, हरी मिर्च दो फाइन चॉप, साथ में मैं डालूंगी दो चुटकी हल्दी पाउडर और चार चुटकी धनिया पाउडर। इसे भी हम मिक्स करेंगे, इसे भूनेंगे हम एक मिनट। टमाटर और प्याज बॉईल करने में जो हमने खड़े मसाले डाले थे उनको निकाल के मैंने पेस्ट बना लिया है और मैं इस पेस्ट को डालूंगी इसमें। अच्छे से स्लो फ्लेम पे 10-15 मिनट तक कुक करेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है हम स्टफिंग में डालेंगे आलू को और इसको हम अच्छे से मेस लेंगे इसके अंदर। आलू हमारे काफ़ी क्रंची बन गए हैं और ये बहुत ही यम्मी लगेंगे स्टफिंग के अंदर। अब आलूओं के अंदर हम भरेंगे स्टफिंग को, इसे अच्छे से भरेंगे लेकिन इतना भी नहीं ठूसना है कि हमारे जो आलू है वो टूट जाए। अब मैं इन आलूओं की करूंगी कटिंग। जो हमारी स्टफिंग बच गई है उसको भी हम ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देंगे और चाहे तो आप इसकी सैंडविच वगैरह बना ले या पराठा बना के भी खा सकते हैं लेकिन ग्रेवी में ये बहुत ही यम्मी लगती है। इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे, इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून मलाई दूध की। आप चाहे तो इसमें फ्रेश दही भी डाल सकते हैं लेकिन खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम ताजी दही होनी चाहिए। देखिए इसकी ग्रेवी देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चीनी, इसे 3-4 मिनट मैं और कुक करूंगी। थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी पानी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक मैंने पहले भी डाल रखा है तो इसलिए कंट्रोल में ही डालना है, और साथ में मैं डालूंगी धनिया के पत्ते। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैं बंद करूंगी और ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, अब हम सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे, प्लेट में मैं डालूंगी पहले ग्रेवी। इसके बाद हम लगाएंगे अपने आलू को। गार्निशिंग करेंगे हम अनार के दाने से और धनिया के पत्ते से। जी फ्रेंड्स, हमारे स्टफ आलू बन के रेडी है, ये बहुत ही यम्मी बने हुए हैं। फ्रेंड्स आप भी इसे जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आपके मुँह मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।